अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमामीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोगों ने करना था वलीमे का फंक्शन अटेंड, तो इस वजह से हम लोग जो है वो रेडी होकर पहुंच चुके थे सरगोधा, और यहाँ पर जो है वो आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी ब्राइड के साथ, तो हम लोग जो है वो आ चुके थे पॉलर। और यहाँ पर जी मैंने ख़ुद भी रेडी होना था और हमारी ब्राइड भी जो है वो आज रेडी हो रही थी। तो ये रही मेरी फाइनल लुक और ये रही हमारी ब्राइड, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आज भी लग रही थी, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे हॉल में, और ये रही मेरी डॉल, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस उम्मे हानी, और ये आप लोग देख सकते होंगे। हानी के हेयर को करिएगा इग्नोर, हानी सो के उठी थी, इस वजह से उसके बालों की कंडीशन कुछ इस तरह की थी, लेकिन मैंने बाद में उनको कॉम करके सही कर दिया था। और ये रही जी मेरी फाइनल लुक, और ये था आज का हॉल, बहुत ही प्यारा एम्बियंस था, डेकोरेशन वगैरह हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और मैं जो है वो आज साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी क्लिप्स को, और छोटे छोटे मैंने आज के जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि आज जो है वो हमारी फैमिली का कम्प्लीट फंक्शन था और सब लोग जो है वो आए हुए थे, तो साथ साथ हम लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो अपनी पिक्चर्स क्लिक करने के साथ आज व्लॉग के जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो ये रही जी मेरी प्यारी सी हानी, और आप हानी को खड़े होते हुए देखें कि माशाल्लाह हानी किस तरह से एक ही जगह पर स्टिल होकर खड़ी थी और पिक्चर बनवाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो कल के व्लॉग में आप लोगों को मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करना याद करवाना तो भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में स्टार्टिंग पे आपको याद करवा दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। तो ये आप लोग देख सकते होंगे हानी के पापा और हानी, और यहाँ पर हो चुका था हमारे ब्राइड और ग्रूम का वेलकम, और बहुत ही प्यारा सा जो है ये वेलकम हुआ था। और मैंने जो है वो कुछ काफ़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर करने की कोशिश की, जितना मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट जो है वो रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने उतना करने की जो है वो फुल ट्राई की है। और ये देख सकते हैं आप लोग, आज शादी का लास्ट फंक्शन था और शादी जो है वो ख़त्म भी हो रही थी, तो उसकी एक एक्साइटमेंट भी थी और एक जो है वो सैड सी फीलिंग भी थी कि काफ़ी टाइम के बाद फैमिली मेम्बर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और एक जगह पे मिलते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा लगता है हर एक इंसान से मिलना, क्योंकि आजकल जो है वो सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता। आजकल की टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है, अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी सर्वाइवल को आसान बनाने के लिए। तो खैर अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुमामीन। दुआओं के साथ साथ जी जनाब हमारी यहाँ पर जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो चुकी थी, और उसके बाद एज़ यूजुअल जो है वो हम लोग इन्हीं मोमेंट्स को इन्जॉय कर रहे थे और कैप्चर कर रहे थे, आपके लिए भी रिकॉर्ड कर रही थी और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही थी। आज का वॉइस ओवर करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि जो है वो आज मैं आ चुकी हूँ इस्लामाबाद और मैंने वो जो है वो ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो बाकी के क्लिप्स जो है वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आज के ब्लॉग की वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ भी हो रही है। मैं अपने मामा की तरफ आई हुई और बहुत टाइम बाद, और 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए हैं, तो अभी वो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर आए हैं, और उनके साथ जो है वो इस मोमेंट को दोबारा से इंजॉय करना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। और मेरी मामा भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, काफ़ी सारी डिशेज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। तो खैर आज के ब्लॉग में बताने का मकसद ये है कि जो है वो इस तरह की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये इंसान को यादगार बनाती हैं, ये मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा यादगार बनाती हैं, और आप इन टाइम को इन्जॉय करते हैं, आप इन बातों को दोबारा देखते हैं, रिवाइंड करते हैं, तो ये सुनने और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो क्लिप्स मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो ये था जी वलीमे का खाना और फंक्शन अटेंड करने के बाद हम लोग आ चुके थे घर वापस, क्योंकि हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना था। तो यही था आज का व्लॉग, होप सो आपने इन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें व्लॉग्स देखने के साथ साथ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट फॉर टुडे।